उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विकास खंड गंगेश्वरी की लगभग आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी कपिल कुमार ने पशुओं में फैल रही लंपी रोग से बचाव के लिए गांव गांव कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर लोगों को बीमारी के लक्षणों के साथ साथ बताए इससे बचाव के उपाय। बता दें कि मनुष्य में फैली कोरोना जैसी घातक बीमारी के बाद अब पशुओं में भी लंपी नामक बीमारी तेजी के साथ फैलती जा रही है। बताया जा रहा है कि यह बीमारी एक पशु में होने के बाद दूसरे पशु के संपर्क में आने से उनमें भी संक्रमण फैला देती है और इसी तरह से एक के बाद एक दूसरे पशुओं में फैलती ही जा रही है, जिसको लेकर शासन के आदेशानुसार संबंधित अधिकारी बीमारी से बचाव के लिए बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं और इसके बचाव के लिए जगह जगह कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को अमरोहा के मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला के निर्देशानुसार विकास खंड गंगेश्वरी के ग्राम विकास अधिकारी कपिल कुमार ने लगभग आधा दर्जन गांव बासंका खुर्द, रुखालू, नानई, लिसड़ा और जल्लूपुर इत्यादि गांवों में सैनिटाइजर मशीन के द्वारा कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराया है और ग्राम वासियों को पशुओं में फैल रही इस घातक बीमारी से बचाव के उपाय और सुझाव के साथ साथ बीमारी के लक्षणों के बारे में भी बताया है। एक बार वीडियो बना लूं। इस दौरान लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी कपिल कुमार के द्वारा बताए गए सुझावों को ध्यान से सुनकर उनका पालन करने का वादा किया है और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा की गई कीटनाशक दवाई के छिड़काव कार्य करने की पहल की खूब सराहना की गई है। छिड़काव कार्य के दौरान ग्राम विकास अधिकारी कपिल कुमार ने बताया है कि यदि समय के रहते हुए इस बीमारी से बचाव के लिए बताए गए सुझावों पर अमल नहीं किया गया तो यह बीमारी धीरे धीरे अपने पांव पसार कर घातक रूप ले सकती है, इसलिए इस बीमारी की शुरुआत होते ही बहुत सी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर इसको रोकना होगा जिससे पशु स्वस्थ रह सके। हमारे